जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन आज पीओके में पाकिस्तानी जुल्म की तस्वीरें सामने आ गई हैं। पीओके के तत्तापानी इलाके में लोगों ने पाक सेना पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई तो जवानों ने किसी को नहीं बख्शा। पहला पुलिस की शेलिंग, जो एजके पुलिस ने पहली शेलिंग शुरू कर दी। अब हमारे नौजवान जो ये लोग यहाँ पर झाड़ियों में छुप कर हम पर शेलिंग कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो नौजवान यहाँ से झाड़ियों में छुप कर शेलिंग कर रहे थे, अभी मैं एक बुलंदी पे आ रहा हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि एजके पुलिस वो सामने खड़ी है, वहाँ से मुजाहरीन पर, पुरअमन मुजाहरीन पर वो शेलिंग कर रही है। और तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो नीचे आ जाए और पुलिस का रोन चले इधर से। ये मोटरसाइकिल को आग लगा दी है, इंतजामिया ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम इन पर पथराव करें। पहले हम बिल्कुल पुरअमन थे कि हम कुछ भी ना बोलें, क्योंकि हम इनको अपना भाई मानते थे, अपनी रियासत के शहरी मानते थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ रियासत के शहरियों जैसा सलूक नहीं किया। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ साथ साथ वीडियो शेयर करते जाएं, ताकि ये एजेके पुलिस का मकरूआ चेहरा सारी दुनिया के सामने आ सके कि ये रियासत के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो रियासत के हकूक की जंग लड़ने वाले लोग हैं, इन पर ये एजेके पुलिस किस तरह जुल्म कर रही है, किस तरह शेलिंग कर रही है। ये अभी हमारे साथी इंशाल्लाह पथराव के लिए तैयार है। पीओके में पाकिस्तान लगातार जुल्म ढा रहा है और कश्मीर में मानवाधिकार के मसले पर घड़ियालू आंसू रो रहा है। पीओके की तस्वीरें देखिए और दुनिया भी देखे, ताकि पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना का जो क्रूर चेहरा है उसकी पहचान हो सके। हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन हम की तरफ से निकले, पुरअमन रहने के हमने साथियों की तनकीद की, लेकिन इन जालिमों ने हमारे रास्ता रोककर हम पर पथराव किया, हम पर गोलियां बरसाई। ये बहुत बड़ी ज़िद्दी है, हम पुरअमन का दे रहे थे, पुरअमन का दे रहे थे, दुनिया के हम अब ये चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं दुनिया के ये बताना चाहता हूँ, तत्ता पानी के अवाम की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये जुल्म और सितम का सिलसिला बंद किया जाए, ये जुल्म और सितम का सिलसिला बंद किया जाए, वरना ये पूरा मन माहौल को पुरतशद्दुद की तरफ ले जाने की साजिशें की जा रही हैं, जो कि हम कश्मीरी को हम कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। मैं वो हाल को बयान नहीं कर सका जैसा कि हमारी इंतजामिया थोड़े से आगे आ जाए, ताकि हम पुलिस का मकरूआ चेहरा भी दिखा सके। पुलिस शेलिंग कर रही है हमारे ऊपर, उसके बावजूद भी हमारे उससे पूछा नहीं हुए, लेकिन हम दुनिया को ये बता देना चाहते कि हम कश्मीरी हैं, अपनी इंतजामिया ही हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, हमें कौन इंसाफ देगा। हम पूरा मंत्री कैसे जा रहे थे, लेकिन हमने खुद कहा हम पूरा मन है, पूरा मंत्री कैसे जाएंगे, हम किसी से कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन खुद छिड़ा हमारे भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे ये साफ है कि पाकिस्तान कैसे पीओके के आम नागरिकों पर, निहत्थों पर जुल्म करता है और दूसरी तरफ वो भारत के कश्मीर में नाक घुसाने पर आमादा रहता है। यहाँ तक कि वो भारत के कश्मीर को लेकर फेक न्यूज की फैक्ट्री भी चलाता है। लेकिन आज की ये तस्वीरें पाकिस्तान का वो सच है जिसे अब पाकिस्तान पूरी दुनिया से छिपा भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।